आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होते जा रहे हैं। मोबाइल और कंप्यूटर के आने से बच्चे फिजिकल गेम भूल से गए हैं। अब अधिकांश समय कंप्यूटर या मोबाइल पर गेम खेलकर समय बिताते हैं, जिससे बच्चे युवाओं के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी है। बच्चों के खेल और स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता लाने के लिए शासन स्तर पर भी कई प्रयास किए जाते हैं, जिसमें खेल विभाग की भी अपनी भूमिका होती है। इसी के तहत आज कसरावद विधायक सचिन यादव ने कसरावद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बगीचे में लगभग 8,30,000 की लागत के उपकरण खेल विभाग के माध्यम से लगाए, जिससे बच्चों और युवाओं में काफी उत्साह है। कसरावद विधायक सचिन यादव युवा हैं और खुद क्रिकेट के एक अच्छे खिलाड़ी रहे, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति हमेशा जागरूक रहते हैं। उन्होंने कसरावद नगर को पहले गार्डन जिम की सौगात दी है। निश्चित ही युवा और बच्चों के मनोरंजन और स्वास्थ्य के लिए यह गार्डन उपयोगी साबित होगा। कसरावद से अकील खान की रिपोर्ट। देखिए, विधानसभा क्षेत्र और नगर के हमारे जो नगरवासी हैं वो स्वस्थ रहें, फिट रहें, और इसीलिए ये ओपन जिम की परिकल्पना हमने और हमारे साथियों ने मिलकर के करी है। और आज उसी उद्देश्य को की पूर्ति के लिए आज हमने नगर में यहाँ पर एक ओपन जिम खोलने का काम किया है, और आशा यही है कि हमारे नगर के तमाम साथी, चाहे किसी भी आयु वर्ग के हों, सब आएँ, यहाँ पर महिला आएँ, बच्चे आएँ, बुजुर्ग आएँ और यहाँ पर इस ओपन जिम का इस्तेमाल करें और स्वस्थ रह करके, फिट रह करके कहीं ना कहीं देश की उन्नति और विकास में जो है अपनी सहभागिता। युवाओं में मोबाइल और कंप्यूटर के तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है और लोग फिजिकली काफी कमजोर होते जा रहे हैं, इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से आज आप नहीं कह रहे हैं कि हमारा जो नौजवान है, हमारे साथी हैं, वो कहीं ना कहीं ये जो सोशल मीडिया का युग आया है, टीवी का युग आया है, मोबाइल का युग आया है, इसमें इतना ज़्यादा उसमें अपना समय व्यतीत कर रहा है कि अपनी जो उसकी उसका जो स्वास्थ्य है, उसके स्वास्थ्य पर भी कहीं ना कहीं उसका उसके जो है दुष्परिणाम, उसके प्रभाव जो है देखने को मिलते हैं। तो मेरा सभी युवा साथियों से यही अनुरोध है कि और माता पिताओं से भी यही अनुरोध है कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी जो स्क्रीन टाइम जो है, स्क्रीन टाइम को एक सीमित किया जाए और उस पर पूरे हमारे जो माता पिता हैं उसके उनकी जो बच्चे हैं, बच्चों की क्या गतिविधियाँ हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, फोन के ऊपर गतिविधियों पर निरंतर माँ बापों को भी उसकी नज़र रखना चाहिए। और युवाओं से भी अपील है कि जो समय आप अत्यधिक समय जो है व्यतीत कर रहे हैं स्क्रीन टाइम के उससे कहीं ना कहीं बहुत सारी गंभीर समस्याएँ जो उत्पन्न हो रही हैं, लोगों के स्वास्थ्य पर उसके दुष्परिणाम आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है लोगों को सतर्क रहना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो सुविधा हमने और हमारे तमाम साथी ने मिलकर यहाँ पर ली है, उसका जो है भरपूर उपयोग जो है सभी साथियों को लेकर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।